हाय गाइस, तो हम जो है थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं किसको, परमिटिविटी को। परमिटिविटी जो है हमारी कलाम सुलों में जो हमारा परमिटिविटी जो टर्म आती है, ठीक, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, परमिटिविटी जो है हमने क्या देखा कि जो कलाम सुलो था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या देखा, एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये देखा, ये क्या चीज़ है कि दो चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे फिक्स रखे हुए हैं, है ना, ऐसा रखा हुआ है। तो ये भी जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे उसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दिया। ठीक, अभी हमने क्या बोला, ये रखे हुए हैं कहाँ पर, फ्री स्पेस में। क्या रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में। ठीक, फ्री स्पेस में रखे हैं, या फिर ये रख कहीं और रखे हैं, मान लीजिए किसी मीडियम में रख दिया जाए, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो ये एग्जर्ट कर रहे थे वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वो चेंज कौन दिखाता है, ये वाली टर्म दिखाती है, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है ये क्या है, परमिटिविटी। इस परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम स्पेस में है, फ्री स्पेस में है, तो हम बोल देते हैं इसको क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम क्या है यहाँ पर किसी मीडियम के लिए लिख, किसी मीडियम में, तो क्या ले लेंगे हम उस मीडियम का, जैसे वाटर है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, या कोई भी स्पेसिफिक हम मीडियम बोल दें तो मीडियम के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस तरीके से ये जो चीज़ है वो ये क्या करती है, ये वाली जो चीज़ है इस फोर्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है, अपॉन में है ना, क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक, उतना ही ज़्यादा फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखा गया है कि इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए हायर होती है, जितनी लोअर होती है ना, उतना ज़्यादा कंडक्टिंग मीडियम लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, एक टाइम पे क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। कंडक्टर के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, है ना, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार मैं जो है इसको और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से, एक बार देखते हैं ना। ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी हम किस तरीके से जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत में जो हम ले रहे हैं, हमने क्या लिया, इसको क्या है एग्जाम्पल के तौर पर, अभी हम एग्जाम्पल लेकर के भी बताएंगे, बताता हूँ मैं इसको जो है किस तरीके से जो इसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है, फोर्स की वैल्यू उसको देखते हैं अभी हम, है ना। तो जो है हम क्या बोल रहे हैं इसको, फोर्स व्हेन चार्जेस आर इन वैक्यूम बोल दें या कोई भी फ्री स्पेस, एक ही बात है ना, या एयर ले लें, एयर के लिए भी जो है एक ही चीज है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए भी क्या होती है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन जो है उसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है ना। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उसकी वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है, ठीक है ना, वैक्यूम के लिए, ठीक है ना, या एयर के लिए लेंगे तो वो भी क्या है, नियर अबाउट वन ही है। तो यहाँ पर जो है दोनों की वैल्यू सेम ले लेते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत, ठीक। अगर हम किसकी बात करें, इसको एफ नॉट लिख देते हैं, अगर हम किसकी बात करें, वैक्यूम की जगह हम क्या करते हैं, फोर्स, फोर्स व्हेन चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम, किसी मीडियम में रख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा हमारा, ठीक, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो किसके लिए ले लिया, वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन एम किसके लिए ले लिया हमने, किसी मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ऐसा ले लिया हमने, ठीक, ऐसा ले लिया। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको क्या करना है, हमारे को देखना है बाद में क्या होगा। अभी हमने इसको ले लिया, ये इक्वेशन वन हो गया, इसको इक्वेशन टू बोल दिया हमने, ठीक। आगे देखिए, वन डिवाइडेड बाई टू कर लेते हैं, एफ नॉट अपॉन वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक। तो ये आ गया मेरा क्या, एफ नॉट अपॉन, इसको क्या है, पूरा क्लास ये जो है ना, पूरा जब निकल करके आएगा, मैं विद एग्जाम्पल जब एक्सप्लेन करूंगा तब जाकर के आपको थोड़ा इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको देखते लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू
बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 पाई से 4 पाई क्यू वन क्यू टू, ये क्यू वन क्यू टू और 1 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये क्या बच गया मेरा, यहाँ पर एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू बच गया मेरा ये एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर आ गया एप्सिलॉन एम, ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये जो दो रिलेटिव जो टर्म आई है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको नया नाम दिया गया है, ये जो रिलेटिव टर्म्स है ना इनको नया नाम दिया गया है, वो क्या है, एप्सिलॉन आर बोल देते हैं या फिर उसको हमने के बोला है। ठीक है ना, ये टर्म क्या है, इस टर्म को बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला, रिलेटिव परमिटी, और इस या तो रिलेटिव परमिटी या फिर क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल देते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, अभी यहां से आप एक चीज देखें, यहां से क्या आ गया एप्सिलॉन एम जो है मेरा, क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर नहीं आया, ये आ गया। ठीक है ना, ये वाली टर्म आ जाती है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट पहले भी तो रख सकता था ना, इस वाली जगह देखें फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन एज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है ना, तो मतलब कि क्या है, परमिटिविटी जो है वैक्यूम के कंपेयर में कितनी है। ठीक, तो ये परमिटिविटी वैक्यूम के कंपेयर में कितनी है, ये वाली है ना। ठीक है ना, मीडियम के, मीडियम में वैक्यूम के कंपेयर में कितनी है ना, तो ये जितना अमाउंट आएगा, ये जितना अमाउंट आएगा उतना ही क्या होगा, ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा किसके कंपेयर में, वैक्यूम के कंपेयर में। नहीं, अभी हम इसको देखेंगे, एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर है। अब इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर देखें फ्रॉम इक्वेशन वन, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, एफ एम इज इक्वल टू यहां से देखें, इसको एप्सिलॉन आर को छोड़ दें और बाकी सारी टर्म क्या है, इक्वेशन वन की जैसी है, तो ये इक्वेशन वन में क्या आ जाएगा, ये एफ नोट नहीं आ जाएगा यहां पर, अपॉन एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो एफ एम क्या हो गया, एफ एम मेरे को इतना समझ में आ रहा है क्या, कि एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एफ एम जो है मतलब किसी मीडियम में फोर्स वैक्यूम के कंपेयर में एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ये मेरे को यहाँ से समझना है। ठीक है ना, तो ये वाली टर्म जो है हमारे को ध्यान रखनी। अच्छा, ये जो है हमारे को क्या समझ में आया कि परमिटिविटी है क्या चीज, कि मेरा जो फोर्स है चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है जबकि मैं उसको किसी मीडियम में रख दे रहा हूँ, किसके कंपेयर में, वैक्यूम के कंपेयर में, वैक्यूम के कंपेयर में मैंने क्या रख दिया उसको, किसी मीडियम में रख दिया, तो मेरा फोर्स जो है वो कितना डिक्रीज हो जाता है चार्जेस के बीच में। ठीक, तो वही चीज जो फोर्स डिक्रीज हो रहा है उसको ही क्या कहते हैं, हम परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है टर्म हमारी निकल करके आती है, कुछ जो है डेफिनेशन है यहाँ पर ये वाली। ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोल देते हैं, तो ऐसा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे जो है हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो फोर्स जो है हमारा, फोर्स जो है वो रिड्यूस कैसे हो रहा है ना। तो अभी कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो वैक्यूम के है ना, एप्सिलॉन आर, ठीक, अलग अलग जो है उसके लिए, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, वैक्यूम ले लिया, तो एप्सिलॉन आर उसके लिए कितना है, वन,
एयर के लिए कितना है? लगभग वन ही है वो, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, इधर लिख देता हूँ, एप्सिलॉन आर जो है, ठीक, एप्सिलॉन आर किसके लिए? वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए कितना है? वन। एयर के लिए भी कितना होता है? 1.004 के लगभग होता है, वो भी जो है नियर अबाउट वन ही लेते हैं आप, है ना। तो इसका मतलब देखें आप, यहाँ पर जो फोर्स लेंगे ना, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ना, देखें इसको, एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ना, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है ये तो कितनी है? वन है, तो यहाँ पर वन रख सकते हैं, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो क्या है? 8.85 × 10⁻¹⁻ है, ठीक है ना, −11। ये हमारा, ये क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ, ये क्या परमिटिविटी ऑफ, फ्री स्पेस, ठीक है ना। ये फ्री स्पेस की, मीडियम की जो आएगी, मीडियम की क्या होगी, मीडियम की कैसे निकलेगी? मीडियम की निकलेगी एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन नोट तो मेरे को मालूम है इतनी है, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, एप्सिलॉन आर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैक्यूम के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा? वन, ठीक है ना। तो ये तो यही रह जाएगा वापस। एयर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए कितनी होती है वैल्यू? 81 होती है, 81 होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, तो मेरा एप्सिलॉन एम आ जाएगा 81 से मल्टीप्लाई होकर, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 हो जाएगा, वैसा हमारे को याद रखना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, इसकी वैल्यू इतनी है ना। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻¹⁹ होती है ना। तो जो है दोनों में चेंज इसकी वैल्यू, अब क्या है, इसको सोल्व करेंगे ना हम, जैसे इसकी वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹ के सही 4, पाई कितना हो जाएगा 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻¹⁹ रखोगे, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 9 × 10⁻¹⁹, इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया उसको, ठीक है ना, Q1 Q2 r2। तो एक बार क्या है, इसको हमारे को देख लेना है। इसमें क्या है, आपको समझने की चीज़ है, डेफिनेशन जो है आपको ये वाली याद करनी है, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन रिलेटिव परमिटिविटी जो मेन जो है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको पूरे को चैप्टर जो ये हो जाए इसके बाद में एक दो बार देखो इसको, ऐसे नहीं न्यूमेरिकल्स करके देखो, ठीक है, तब जा करके समझ आएगा जो है, लगता है थोड़ा सा जो है, क्योंकि रिलेट कर रहे हैं स्पेस को और मीडियम को, ठीक है ना, उसमें जो है थोड़ी सी टर्म दिक्कत करती है, ठीक है ना। तो एक बार जो है आप इसको क्या करो, दो चार बार देखो, इसी मैंने जो आज डिस्कस किया इसी को, और मैं जो है अब इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल जो है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप एग्जांपल में ज़्यादा मतलब कि मैं सिर्फ अभी ऐसे बता दूंगा एग्जांपल तो आपको, ठीक है ना, कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने बताई दी आपको, ठीक, ठीक है ना। मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, इफ टू चार्जेस एग्जर्ट्स ऑफ 110 न्यूटन फोर्स इन स्पेस, ठीक है ना, स्पेस में कितना 110, ठीक है ना, 110 न्यूटन इन स्पेस, जब वो कहाँ रखे हुए हैं, स्पेस में, मतलब कि अभी कहाँ पर रखे हुए हैं, Q1 Q2 कोई भी डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है ना, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, F=, तो एफ नोट कितना हो गया ये 110 न्यूटन, ठीक है ना, ये वाला, ये जो वैल्यू हमने, ये जो हमने लिया है, ये कितना हो गया 110 न्यूटन हो गया, ये पूरा निकल करके आया कितना 110 न्यूटन, ठीक। इफ दीज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, इन वाटर, वो दे देंगे, गिवन रहेगा आपको अलग अलग जो है, जैसे भी मीडियम रहेगा उसके लिए वाटर, ठीक है ना, कीपिंग डिस्टेंस
कॉन्स्टेंट बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस को क्या रखा आपने, कॉन्स्टेंट रख करके जो है, मतलब कि इतनी डिस्टेंस है ना आर, मान लो कि कोई भी डिस्टेंस रही होगी आर, तो इसको आर ही है, मतलब कि मान लो ये 10 मीटर है तो इसको 10 मीटर रहने दिया हमने, कुछ भी डिस्टेंस उसको उतना ही रखा, चार्जेस को भी चेंज नहीं किया और डिस्टेंस को भी चेंज नहीं किया, तो हमने कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया। तो अब कितना फोर्स ये एग्जर्ट करेंगे, ठीक ना, नाउ फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स विच दीज एग्जर्ट, ठीक है ना, अब कितना एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखना है इसको, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमने देखो, ये हम क्या कह रहे हैं, मीडियम में क्या होगा, मीडियम में कितना होगा, मीडियम में मतलब वाटर में कितना होगा, एफ नोट के कंपेयर में एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या, ये हमारे को लेना है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर कितना होता है वाटर के लिए, फॉर वाटर, ठीक है ना, ये आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आपको गिवन होगा इसे 81 है, ठीक है ना। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरा, एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट, एफ नोट कितना है 1810 अपॉन एप्सिलॉन आर, कितना होता है वाटर के लिए 81 होता है, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो एफ एम कितना हो गया 10 न्यूटन, मतलब कि क्या होगा, फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 110 न्यूटन से कितना रह जाएगा, सिर्फ 10 न्यूटन रह जाएगा, जबकि उसको कहाँ रख दिया आपने, स्पेस से उठा करके कहाँ लिया, वाटर में लिया, कैसा है, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि उसमें क्या है, ये जो चीज़ है ना, आप देखें स्पेस में ही ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दूसरे मीडियम में क्या होगी, ये वैल्यू मिनिमम होती चली जाएगी। रीज़न क्या है इसके पीछे, है ना, मैं रीज़न भी आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, कि आप किसी भी मीडियम को देखें, किसी भी मीडियम को स्पेस के कंपेयर में वो क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम तो क्या होगा, कंडक्टिंग होगा ही होगा, कोई भी मीडियम जो है ना, कोई भी स्पेस, मान ली स्पेस में, उसके अलावा आपने स्पेस में तो कुछ भी नहीं है ना, कोई भी जो है मीडियम ही नहीं, ठीक है ना, उसके अलावा आपने क्या ले लिया, कोई भी मीडियम ले लिया बीच में, दो चार्जेस के बीच में क्या ले लिया, कोई भी मीडियम ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी जो है मीडियम ले लिया इन दोनों के बीच में स्पेस के अदर देन, तो वो क्या होगा, कंडक्टिंग होगा ही होगा रिलेटिव टू स्पेस, ठीक है ना। तो वो जब कंडक्टिंग होगा तो जो फोर्स जो लग रहा था, ठीक है ना, उसको फील होने का जो फील होगा वो फोर्स, वो क्या होगा, एक कंडक्टिंग मीडियम बीच में आ गया ना, ठीक है, तो फोर्स क्या होने लगेगा, उसको उतना फील नहीं होने देगा जितना कि जो फोर्स फील हो रहा था, अब उतना फोर्स फील नहीं होगा, क्योंकि मीडियम क्या हो गया आपका, कंडक्टिंग हो गया बीच में, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि देखें, ये नॉन सबसे कम कंडक्टिंग, उससे थोड़ा ज़्यादा वाटर और ज़्यादा हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, आयरन ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने, आयरन ले लो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन आर की, आयरन के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, क्या होती है, इन्फिनिटी। मान लीजिए मैंने इन दोनों के बीच में अभी क्या रख दिया होता, एक आयरन की रोड रख दी होती, तो यहाँ क्या होता, यहाँ क्या होता, एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट कितना है 110, एप्सिलॉन आर क्या होता है इन्फिनिटी, मीन्स जीरो, क्या हो जाता है जीरो, फोर्स क्या हो जाता है जीरो। तो आप इस चीज़ को समझें कि जितना ज़्यादा कंडक्टिंग मीडियम होगा बीच में, उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा इन लोग के बीच में, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज आसानी से फ्लो करने लगेंगे, चार्ज जो है वो आसानी से क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक भाई, यहाँ से चार्ज वो इधर फ्लो हो सकता है या इधर से इधर फ्लो हो सकता है, ठीक। तो वो फोर्स तो लगने वाली बात ही नहीं होगी उसके बीच टाइम पर, ये क्या होगा, उसको अच्छा मीडियम मिलेगा, तो ये फोर्स फील ही नहीं होने देगा, ठीक। तो फोर्स फील कब होता है, जब सबसे ज़्यादा फोर्स कब होता है, जब वैक्यूम हो, एयर हो, ऐसे जैसे जैसे क्या होगा, कंडक्टिंग मीडियम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये फोर्स भी क्या हो जाता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो है, आप इसको एक दो और एग्जांपल जो है वो करके देखें, समझ में आएगा, ठीक। ये अच्छा टॉपिक है जो है, इसको अभी शुरुआत है, देखते जाएँ, न्यूमेरिकल्स करें, आता जाएगा समझ में, ज़्यादा इसमें टेंशन ना लें उतनी ज़्यादा। इसके बाद में जो है कोई भी दिक्कत रहे तो मेरे को जो है कमेंट में बता देना, कि कमेंट करके कि ये भी क्या है, ठीक है, फिर देखते हैं।
और फिर इसके बाद में जो है हम इसका वेक्टर फॉर्मेशन देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल से देखेंगे इसको। ठीक है गाइस।